हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप पीछे देख ही रहे होंगे कि मैं आज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो 3 मार्क्स या फिर 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या फिर दोनों न्यूमेरिकल आते हैं, तो 3 और 2 मार्क्स के इस टाइप से न्यूमेरिकल CBSE में पूछे जाते हैं। और कंपटीशन के बेसिस पर भी मैं आपको बता दूं, 1 क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती कहाँ से है। तो देखिए क्या है, ये है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली आपको रिडक्शन का मतलब और ऑक्सीडेशन का मतलब पता होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना यानी डी इलेक्ट्रोनेशन, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड होना यानी इलेक्ट्रोनेशन। दोनों को मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहा गया है और ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि जब हम किसी मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में डिसॉल्व कर देते हैं तो मोर रिएक्टिव मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और लेस रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस कर देता है। आप जब इसकी रिएक्शन लिखेंगे यानी जिंक रॉड को जब CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और उसकी रिएक्शन देखेंगे और देखेंगे कि जिंक जो है वो Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu2+ Cu सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो एक ही वीकर में हो रही है। और जब इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एक ही वीकर में हो तो उसको डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। और इस केस में सिर्फ हीट जनरेट होती है जिसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग कंपार्टमेंट या फिर अलग अलग वीकर में करना शुरू कर दें तो उस केस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा सबसे पहले बताया लुईगी गैल्वनी, जिन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। आपके आसपास कोई भी सेल हो, बैटरी हो, जिससे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। चाहे वो रिस्ट वॉच में लगाए जाने वाला सेल हो, वॉल क्लॉक का हो, रिमोट में लगाए जाने वाला हो, इन्वर्टर की बैटरी हो या कार में यूज होने वाली बैटरी हो, वो सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कैटेगरी में आते हैं। जब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के शेप, साइज और यूजेस चेंज होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दो चीज़ें चेंज होती हैं, जिस रीजन से उनका साइज, शेप और यूज यानी वोल्टेज का चेंज होना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हम यहाँ पर एक बेसिक सेल समझेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, 2 कंपार्टमेंट हैं, एक लेफ्ट वीकर, राइट वीकर। आप यही अरेंजमेंट रखेंगे, लेफ्ट राइट। लेफ्ट साइड आप लेंगे जिंक रॉड जिसको उसी के सॉल्ट ZnSO4 में डिसॉल्व किया गया है। राइट साइड लेंगे कॉपर जिसको उसी के सॉल्ट में यानी CuSO4 में डिसॉल्व किया गया है। इसको एक वोल्ट मीटर से एक वायर से कनेक्ट करेंगे और ये जो एक यू शेप्ड आप ट्यूब देख रहे हैं इसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर एगर एक विस्कस एल्गी होती है। आप इसको समझ सकते हैं, ये एक विस्कस सब्सटेंस होता है जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लो नहीं करता या फिर बहुत ही स्लोली फ्लो करता है। इस विस्कस सब्सटेंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है जो है K2SO4। मैं बाद में आपको इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताऊंगा। जब तक इस वायर को आप कनेक्ट नहीं करते, लेफ्ट और राइट साइड कोई रिएक्शन नहीं होती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप घर में कोई जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें जब तक सेल कनेक्ट ना करें, सर्किट से सेल कनेक्ट ना करें,
तब तक सेल का पोटेंशियल डाउन नहीं होता, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पर जब हम इस सेल को कनेक्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑटोमेटिकली रिएक्शन होने लगेंगी। और आपको यहाँ ध्यान रखना है लोन, ये बहुत ही सही टाइप की ट्रिक है। लोन, लोन का मतलब वो नहीं है जो बैंक्स वगैरह से लेते हैं, लोन का मतलब यहाँ है L का मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन, सॉरी लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन, तो राइट साइड ऑटोमेटिकली रिडक्शन होने लगेगा, ठीक है। ओके, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन तो राइट साइड ऑटोमेटिकली रिडक्शन। ए का मतलब है ये होगा, यानी जिंक रॉड होगी एनोड, तो ये हो जाएगा कैथोड, ठीक है। एन का मतलब ये होगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो दोस्तों समझ आया कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है लोन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसी से सब डिसाइड हो गया, इसका मतलब जो जिंक रॉड है वो ऑक्सीडाइज होगी, तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, जो जिंक रॉड है वो Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो जिंक के एटम हैं वो धीरे धीरे Zn2+ में कन्वर्ट होते जाएंगे और जिंक रॉड की थिकनेस कम होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो दो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इस वायर से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे। और इस सॉल्यूशन में जो CuSO4 एक्वस है उसके Cu2+ के साथ अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन क्या होगा, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu सॉलिड। और ये जो कॉपर है जो सॉलिड है वो यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब इसकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ जाएगी और इसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां पर लेफ्ट से राइट में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब जो करंट होगा वो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करने लगेगा, तो अल्टीमेटली करंट फ्लो होने लगा, इसका मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसको कहा जाएगा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, जो कॉमन इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाएंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ इक्वस गिव Zn2+ इक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लिखते हैं एक रेडॉक्स कपल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रेजेंटेशन, रेडॉक्स कपल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होती है, इसमें बीच में दो लाइन होंगी, इस साइड आप लिखते हैं वो मेटल जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, कुछ इस तरीके से, जैसे कि देखिए जिंक से Zn2+ में कन्वर्जन हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, यहां देखिए जिंक से Zn2+ में, और इन दो लाइन के इस साइड आप लिखते हैं वो मेटल जिसका रिडक्शन हो रहा हो, तो वो सिंबल जो आपको किसी सेल के अंदर होने वाली कंप्लीट यानी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है उसको रेडॉक्स कपल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो इससे आपको पता चला कि जिंक लेफ्ट साइड, क्योंकि ये लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर राइट साइड, क्योंकि ये राइट साइड लिखा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि लेफ्ट साइड रिडक्शन होगा और राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और राइट साइड रिडक्शन होगा। अब हम एक और चीज बता रहे हैं आपको, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
तो देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड बाय ई, इसको ई से डिनोट करते हैं इस तरीके से। ई इज इक्वल टू, अब यहां पर ये हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई राइट, मतलब राइट वीकर में जो भी रिएक्शन हो रही है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस ई लेफ्ट, जो लेफ्ट में रिएक्शन हो रही है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ई इसको कह सकते हैं कैथोड, माइनस ई एनोड। अगर हम इस गैल्वेनिक सेल के बारे में देखें तो क्या होगा, कैथोड पर क्या हो रहा है, जो Cu2+ है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा Cu2+ कॉपर, E Zn2+ जिंक। ये लीजिए, ये है कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, ये एनोड पर। अगर आप बात करें एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर देखेंगे जिसको STP कहा जाएगा, मतलब इस पर क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 298 केल्विन टेम्परेचर, ये दोनों एक ही बात हैं, एंड 1 बार प्रेशर। इस केस में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे E नॉट सेल, यहाँ पर E के ऊपर एक नॉट लग जाएगा यानी जीरो। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट Cu2+ Cu माइनस E नॉट Zn2+ Zn, और इसका अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1.1 वोल्ट होता है। ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी सिखा दिया क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका। और आप इस सीरीज को देखते रहिए, और जिसको पसंद आया हो वो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। थैंक यू।